विजेता जी, मैं दिनेश पारिक आपका स्वागत करता हूं इस माँ भारती कविता महायज्ञ के पटल पे। आपका स्वागत है। और मेरे साथ में जो मेरे को होस्ट है उनका नाम है गोविंद गुप्ता जी। और मैं आपका नाम है विनीता जयसवाल जी, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं। पिछले 7-8 सालों से आप शिक्षण और शिक्षिका के रूप में हिंदी के रूप में कार्यरत हैं। कई सालों से आप हिंदी के लेखन में कार्य कर रही हैं। आए दिन आपकी जो रचनाएं वगैरह हैं, कविता वगैरह आप लिखती हैं, तो काफ़ी समाचार पत्रों में आपकी कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी कई पत्रिकाएं हैं, उनमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो हम आपको सुनने के इच्छुक हैं। और आप शुरू कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम। महायज्ञ के लिए आपने वक्त निकाला जी। जी आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, इस पटल को, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और कुछ भी कहने से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का, पूनम सागर जी का, नरेंद्र चंद्र जोशी जी का, नीता जोशी जी का, जिन्होंने इस महायज्ञ का आयोजन किया और जिनकी बदौलत हमें ये अवसर मिला कि हम इस महायज्ञ में अपनी भी एक आहुति दे सकें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय जनों का। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि ये जो आहुति है, ये जो महायज्ञ है, इसे आयोजित करने का जो समय है ये बहुत सुंदर है। 31 अगस्त से लेकर 14 सितंबर का जो समय हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, उस इससे बड़ा पुरस्कार हिंदी भाषा को नहीं मिल सकता। तो ये काफी सराहनीय प्रयास है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आज के दोनों आदरणीय संचालकों को, आदरणीय गोविंद जी और आदरणीय दिनेश जी को। और आप दोनों की अनुमति के साथ मैं आज का काव्य पाठ शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विनीता जी, आपको ये सौभाग्य मिला है और दोबारा विगत कुछ दिनों पहले ही शिक्षक दिवस था, तो मैं ये धारणा रखती हूँ कि किसी भी कार्य के आरंभ में यदि गुरु वंदना की जाए और शिक्षक जो हमारे हैं, जो हमारे जीवन के आधार होते हैं, यदि हम आज कुछ भी हैं, अगर आज हम हस्ताक्षर करने के योग्य भी हैं, तो वो हमारे शिक्षक की बदौलत हैं। तो मैं ये धारणा रखती हूँ कि आज हम सबसे पहले अपने शिक्षकों को याद करें, अपने गुरुजनों को याद करें। इससे संबंधित मैंने एक छोटी उसमें मैंने ये तथ्य को सामने रखा है कि किस प्रकार एक शिक्षक एक पत्थर को तराश तराश कर हीरा बनाता है और शिक्षक की उसमें क्या भूमिका होती है। इसे मैंने इन चार पंक्तियों में संजोने की कोशिश की है। शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है शिक्षक। जिंदगी के हर एक सफर में, मुश्किलों से भरे शहर में, जिंदगी के हर एक सफर में, मुश्किलों से भरे शहर में, जिंदगी के हर एक सफर में, मुश्किलों से भरे शहर में, आपने जो तराशा मुझे, थी मैं पत्थर चमक आ गई, आपने जो तराशा मुझे, थी मैं पत्थर चमक आ गई। और आगे की जो चार पंक्तियां हैं वो उस परिस्थिति को संकेतित है कि कभी कभी हम अपने ही जिद पर अड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं,
हम जो कह रहे हैं वही सही है, और हमारे बड़ों हमारे गुरुजनों की बातों को कहीं ना कहीं हम नकार जाते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे हमें अनुभूति होती है, हम अनुभव करते जाते हैं, वैसे ही वैसे जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो हमारे सामने मुखर होने लगती है। उस पर मैंने चार पंक्तियां निवेदित की हैं। ठोकरों से मुखातिब हुई, मेरी ही भूल साबित हुई। ठोकरों से मुखातिब हुई, मेरी ही भूल साबित हुई। ठोकरों से मुखातिब हुई, मेरी ही भूल साबित हुई। आपने जो सवारा मुझे, जो मैं बिखरी थी सिमटा गई। आपने जो सवारा मुझे, जो मैं बिखरी थी सिमटा गई। और आगे की जो चार पंक्तियां हैं वो सत्य को संकेतित करती हैं कि अक्सर जब हम बचपना हमारे अंदर होता है, हम अपरिपक्व होते हैं, तो हमारे मन में ये धारणा होती है कि हमें कर्म नहीं करने की आवश्यकता है, ईश्वर की आराधना करेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे या भाग्यवादी हो जाते हैं हम, और कर्म के मार्ग से कहीं ना कहीं हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या अभिनय करता है और शिक्षक कौन सा रोल जो है, कौन सा किरदार अदा करता है, उस पर मैंने चार पंक्तियां निवेदित की हैं। किस्मतों से है मिलता कर्म, है ये अज्ञानता का भरम। किस्मतों से है मिलता कर्म, है ये अज्ञानता का भरम। किस्मतों से है मिलता करम, है ये अज्ञानता का भरम। आपकी ये ही भाषा मुझे, कर्म का मोल समझा गई। आपकी ये ही भाषा मुझे, कर्म का मोल समझा गई। और आगे की जो चार पंक्तियां हैं वो उस प्राथमिक स्तर को निवेदित है कि जब हम प्राथमिक स्तर पर होते हैं, हमें अक्षरों तक का ज्ञान नहीं होता, उस समय एक शिक्षक कैसी भूमिका निभाता है। अक्षरों की ये काया है जो, आपसे ही तो पाया है वो। अक्षरों की ये काया है जो, आपसे ही तो पाया है वो। अक्षरों की ये काया है जो, आपसे ही तो पाया है वो। आपकी ही दुआ है कि मैं हर लहर से हूँ टकरा गई। आपकी ही दुआ है कि मैं हर लहर से हूँ टकरा गई। और अंतिम की चार पंक्तियां इस कविता की कि जब हम इस चीज का अवलोकन कर लेते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो हम ये चाहते हैं कि हम स्थान उच्च किसको दें, उस ईश्वर को दें या गुरु को दें। तो कबीर जी ने भी ये कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो विद्यार्थी है वो करे तो क्या करे। ऐसी परिस्थिति को संकेतित करते हुए मैंने अंत की जो चार पंक्तियां हैं वो निवेदित की हैं हमारे शिक्षकों के चरणों में और उन्हें नमन किया है। लोग कहते हैं उसको खुदा, आप भी हो न उससे जुदा। लोग कहते हैं उसको खुदा, आप भी हो न उससे जुदा। लोग कहते हैं उसको खुदा, आप भी हो न उससे जुदा। अपने सजदे में पूजूं किसे, है खुदा कौन भरमा गई। अपने सजदे में पूजूं किसे,
है खुदा कौन भरमा गई, जो मैं बिखरी थी सिमटा गई। तो ये हमारे शिक्षकों को, हमारे गुरुजनों को ये कविता समर्पित थी, और इस कविता से मैंने आज का जो है आरंभ किया है। आगे मैं जो है चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। आज हमारे देश में जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, किस प्रकार से हमारा देश इन सांप्रदायिक चीजों से किस प्रकार से जूझ रहा है। भले हम विकसित हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के क्षेत्र में हमें आज भी वो मतभेद कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो उस परिस्थिति को संकेतित करते हुए चार पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत कि किस प्रकार धार्मिक सांप्रदायिकता हमारे देश में आज भी व्याप्त है। मजहबी खेल का सामान बना रखा है, मजहबी खेल का सामान बना रखा है, चंद पैसों को ही ईमान बना रखा है, चंद पैसों को ही ईमान बना रखा है। बस है इंसानियत इंसान की पहचान सही, बस है इंसानियत इंसान की पहचान सही, फिर क्यों हिंदू क्यों मुसलमान बना रखा है, फिर क्यों हिंदू क्यों मुसलमान बना रखा है। मजहबी खेल का सामान बना रखा है। मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, और ये मात्र कमेंट्स नहीं है, ये मेरे लिए साहस है और मेरे लिए प्रोत्साहन है जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और आगे जो चार पंक्तियां हैं वो मैंने हमारे मुल्क में कैसे चैन और अमन स्थापित हो, इस पर मैंने चार पंक्तियां निवेदित की हैं। नफरते प्यार की नदियों में बहा दी जाएं, नफरते प्यार की नदियों में बहा दी जाएं, इश्क की आग यूं सीने में लगा दी जाए, इश्क की आग यूं सीने में लगा दी जाए। प्यार ही प्यार हो इस मुल्क के बगीचे में, प्यार ही प्यार हो इस मुल्क के बगीचे में, इसकी मिट्टी में मोहब्बत वो मिला दी जाए, इसकी मिट्टी में मोहब्बत वो मिला दी जाए। नफरतें प्यार की नदियों में बहा दी जाए। और अंत में ये जो चार पंक्तियां हैं जो मैं समर्पित करने जा रही हूँ, ये उस तथ्य को केंद्रित करती हैं कि यदि हमें इस जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, तो हमें केवल स्वयं केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर परोपकार की भी भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर वो सहृदयता होनी चाहिए कि हम दूसरों के प्रति भी वही समान भाव रखें जो हम अपनों के प्रति रखते हैं। तो उस स्थिति को संकेतित करते हुए, परोपकार जैसे संदेश को संकेतित करते हुए मेरी जो चार पंक्तियां हैं वो अंत में निवेदित हैं। बड़ा सुकून है खुदा पे मर के देखो तो, बड़ा सुकून है खुदा पे मर के देखो तो, घर औरों का भी आबाद करके देखो तो, घर औरों का भी आबाद करके देखो तो, कबूल होगी हर दुआ तेरी इबादत की, कबूल होगी हर दुआ तेरी इबादत की, किसी गरीब की फरियाद करके देखो तो, किसी गरीब की फरियाद करके देखो तो, बड़ा सुकून है खुदा पे मर के देखो तो। तो ये चार पंक्तियां थी जो अलग अलग परिस्थितियों को संकेतित थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि मैं आगे भी पढ़ूं, और मुझे ये अनुमति मिल रही है कि मैं आगे भी अपना काव्य पाठ जारी रखूं। ये एक गजल है जो मैं सुनाना चाहूंगी। मैं श्रृंगार रस पर भी लिखती हूँ, और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार।
तो मैंने दोनों पक्षों पर एक एक सुंदर गजल लिखने की कोशिश की है। पहली जो मेरी गजल है वो संयोग श्रृंगार पर, वियोग श्रृंगार पर आधारित है, और वो मैं गजल आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप उसका आनंद लेंगे और उसे सराहेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो गजल कुछ इस प्रकार है। कभी या दिल किसने घराने में तू, कभी आ दिल के सूने घराने में तू, पत्थरों को भी कहना सिखा देंगे हम। कभी आ दिल के सूने घराने में तू, तुमको मंजूर है आसमां ही सही, हम जमीन की रखते हैं दीवानगी। तुमको मंजूर है आसमां ही सही, हम जमीन की रखते हैं दीवानगी। कभी देखो यूं पैरों को रख के यहाँ, कभी देखो यूं पैरों को रख के यहाँ, इस जमीन को धड़कना सिखा देंगे हम। कभी आ दिल के सूने घराने में तू, हमको मालूम है रस्म उल्फत मगर, है मोहब्बत तो फिर क्यों बिखरने का डर। हमको मालूम है रस्म उल्फत मगर, है मोहब्बत तो फिर क्यों बिखरने का डर। तुम जो करते हो अब रोशनी का गिला, तुम जो करते हो अब रोशनी का गिला, लो हवा में चराए जला देंगे हम। कभी आ दिल के सूने घराने में तो, मैं दरख्तों की साए मैं भी हूँ जली, आग में की है महसूस मैंने कली। मैं दरख्तों के साए मैं भी हूँ जली, आग में की है महसूस मैंने कली। तुमको डर है हमें फूल भी ना चुभे, तुमको डर है हमें फूल भी ना चुभे। पैर कांटों पे रख के दिखा देंगे हम, कभी आ दिल के सूने घराने में तू। और अंतिम चार पंक्तियां, मुझको मालूम है ये ही दस्तूर है, जो वफा है वो तकदीर से दूर है। मुझको मालूम है ये ही दस्तूर है, जो वफा है वो तकदीर से दूर है। गर वफाना सही सूनी दुनिया सही, गर वफाना सही सूनी दुनिया सही, यहाँ तन्हा भी जी कर दिखा देंगे हम। कभी आ दिल के सूने घराने में तू, पत्थरों को भी कहना सिखा देंगे हम। कभी आ दिल के सूने घराने में तू। बहुत खूबसूरत। तो ये मेरी एक गजल थी, मेरा एक छोटा सा प्रयास था वियोग श्रृंगार के पति। और अब और एक मैं गजल सुनाने जा रही हूँ। आप लगातार बने हैं मेरे साथ, मुझे देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है, और लगातार आप कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मुझे सराह रहे हैं, इसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आपका। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने मैं कमेंट्स यहाँ देख पा रही हूँ मैं उनके नाम जरूर लूंगी। बहुत बहुत आभार आपका, ऐसे ही बने रहिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। अब जो मेरी एक गजल है और जो मैं गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो संयोग श्रृंगार का एक पक्ष है, और ये गजल जी राजपाल जी, कृष्णा जी,
सुनीता जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका जी। आवाज मेरी आ रही है? ऐसे ही बनी बने रहिए मेरे साथ। तो गजल है, गजल इस प्रकार है, जो दबे हुए थे कब से। ये गजल मैंने अभी तक किसी मंच पर पढ़ी नहीं है, प्रकाशित जरूर हुई है लेकिन ये गजल मैंने अभी तक किसी मंच पर नहीं पढ़ी है। आशा करती हूँ आप इसे जरूर सराहेंगे। जो दबे हुए थे कब से, जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। तू करीब आ रहा है, तू करीब आ रहा है, मैं करीब आ रही हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। कल शाम बैठी तन्हा, इसमें वो उस परिस्थिति का चित्रण किया गया है कब, जब एक प्रेम में लिप्त व्यक्ति जब बेसुध होकर बैठा रहता है तो उसे सुध नहीं होती है कि वो कर क्या रहा है, उसके चेहरे पर भाव भंगिमाएं किस प्रकार से बन रही हैं, उस परिस्थिति को संकेतित करते हुए मेरी ये पंक्तियां हैं। कल शाम बैठी तन्हा, बिन बात ही मुस्का दी। कल शाम बैठी तन्हा, बिन बात ही मुस्का दी। हुई खुद ही मैं फिर हैरान, हुई खुद ही मैं फिर हैरान, कि ये क्या मैं जा रही हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। तेरी निगाहों में जो मेरा प्यार पल रहा है, तेरी निगाहों में जो मेरा प्यार पल रहा है, ये मुझे बता रहा है, ये मुझे बता रहा है, मैं तेरी ही शायरी हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। बहुत सुंदर, सुन प्यार से ही रोशन, ये जहां है मेरे हमदम। सुन प्यार से ही रोशन, ये जहां है मेरे हमदम। तू मुझे बता रहा है, तू मुझे बता रहा है, मैं तुझे बता रही हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। अगला मतलब है, मुमकिन यही है शायद, ये नूरे इबादत है। मुमकिन यही है शायद, ये नूरे इबादत है। सजदे तू कर रहा है, सजदे तू कर रहा है, मैं खींची ही जा रही हूँ। जो दबे हुए थे कब से, वो अरमां जगा रही हूँ। तू करीब आ रहा है, तू करीब आ रहा है, मैं करीब आ रही हूँ।
जो दबे हुए थे कब से वो अरमां जगा रही हूँ। तो ये एक मेरी गजल थी। खूबसूरत काव्य पाठ शायद किसी आपका, कारणवश और मुझे गोविंद जी और दिनेश जी की बहुत आवाज सुंदर। बिल्कुल नहीं आ पा रही है, तो मैं अपनी गजलें और अपनी रचनाएं सुनाते जा रही हूँ। विनीता जी, आप, आशा करती हूँ कि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी और आप मुझ तक पहुंच रहे होंगे, और कहीं ना कहीं मेरी रचनाएं विनीता जी आपके अभी भावों तक आपको पहुंच रही मेरी होंगी, मेरी ये मेरी पूरी आशा है, मेरी पूरी उम्मीद है। विनीता आगे मैं एक कविता जी सुनाने वाली आपको मेरी हूँ। आवाज आ ये रही जो है? कविता है ये हेलो आप दिनेश जी, कृपया कमेंट मेरी करके मुझे एक बार आउटस्ट्रीम जरूर कुछ सूचित लगातार करें कि मेरी टेक्स्ट आवाज जो आप है तक वो जा आपको रही है नहीं कि नहीं सुन जा पा रही रही है, है। उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं जारी रखती हूँ। जी आपकी आवाज आ रही ये है। एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है लड़कियां, और ये कविता मैंने नारी सशक्तिकरण को केंद्र में या हम लोगों की रखकर आवाज लिखी जो है थी, विनीता तक नहीं पहुंच और रही इस है। कविता में मैंने प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक नारी की जो स्थिति रही है, चाहे जी वो जी प्राचीन स्वागत भारत में नारी से संबंधित जो भी कुप्रथाएं थी वो उनकी बात हो, या फिर वर्तमान भारत में नारी ने जिस हिसाब से विकास किया है, वर्तमान में जो नारी की स्थिति है उसकी बात हो, उसे संकेतित करते हुए, और हमारे समाज में आज भी कुछ कुप्रथाएं हैं जो नारी से संबंधित हैं, बालिकाओं से संबंधित हैं, उसे केंद्रित करते हुए मैंने इस कविता की रचना की है। आशा करती हूँ कि आप जी इसे सुनेंगे, सराहेंगे और मेरी हौसला अफजाई जी करेंगे, जरूर और जरूर आपको ये रचना जी जी पसंद आएगी। तो कविता का जो शीर्षक है स्वागत। वो है लड़कियां, और पहली जो दो पंक्ति है इस कविता की, उन दो पंक्तियों में मैंने नारी की जो महत्ता होती है, नारी का जो महत्व होता है। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सूचित किया कि मेरी आवाज आप तक जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कविता है लड़कियां, इसकी जो पहली दो पंक्तियां हैं वो उस अवस्था को केंद्रित करती हैं कि नारी का हमारे संसार में क्या महत्व है। मैं शुरू करती हूँ बिना विलंब किए। जी 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 शमशान जी दिखेगा स्वागत है। यदि लड़की यहाँ न हो, शमशान दिखेगा यदि लड़की यहाँ न हो, शमशान दिखेगा यदि लड़की यहाँ न हो, सारे जहां की शान है शोहरत है लड़कियां, सारे क्या जहां बात की है, शान है शोहरत है लड़कियां। तो बहुत सुंदर बहुत आगे सुंदर। की जो दो पंक्तियां है वो मैंने, एक कुप्रथा है हमारे समाज में जो प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत में भी हमें उसकी झलक दिखाई देती है, और उस कुप्रथा का नाम है दहेज प्रथा। उसको संकेतित करते हुए मैंने दो पंक्तियां जी लिखी हैं। सामान जी से न स्वागत। तुलना है नारी की सुन उनर, सामान से न तुलना है नारी की सुन उनर, सामान से न तुलना है नारी की सुन उनर, खुद दहेज है माँ बाप की दौलत है लड़कियां, खुद दहेज है माँ बाप की क्या बात है, दौलत है लड़कियां। और आगे की जो दो क्या पंक्तियां हैं वो एक बहुत बड़ी कुप्रथा है हमारे समाज में। आज भी हम जब हमारे भारत में किसी भी कोने पर आप चले जाएं और अस्पतालों में चले जाएं, पैथोलॉजी लैब में अगर आप चले जाएं, तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर लिंग परीक्षण कराना कानूनन जुर्म है और यह निषेध है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जी मेरी व्यक्तिगत ऐसी धारणा है कि यदि आज भी भारत में किसी अस्पताल में ये लिखने की आवश्यकता पड़ रही है कि यहाँ लिंग परीक्षण निषेध है, जी तो निसंदेह ऐसी कोई जरूरी बात, जरूर कोई ऐसी बात है कि हम आज भी उस विकास के उस स्तर से कहीं ना कहीं पीछे हैं कि वो लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, और एक कुप्रथा हमारे समाज में आज भी जीवित है, वो है भ्रूण जी हत्या। भ्रूण हत्या तो इस पर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपके कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं, और बिल्कुल आप मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे मेरा साहस बना हुआ है इससे, और जी मुझे बहुत लोग आपके साथ पूरा उत्साह बने मिल हुए रहा है कि हैं। मैं आगे भी पढ़ूं।
अपने समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपना काव्य पाठ जारी रखती हूँ। आप सुन नहीं पा रही हैं। तो भ्रूण हत्या को संकेतित करते हुए मेरी आगे की जो दो पंक्तियां हैं वो निवेदित हैं। इंसान है ये भी कोख में इनको न मारो तुम, इंसान है ये भी कोख में इनको न मारो तुम, इंसान है ये भी कोख में इनको न मारो तुम। माँ कहते हो जिनको ये वो औरत है लड़कियां, माँ कहते हो जिनको ये वो औरत है लड़कियां। जब अपनी माँ की बात आती है, अपने किसी पारिवारिक सदस्य में किसी महिला की बात आती है तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, लेकिन हम उस नन्ही सी जान की हत्या कर देते हैं जिसने अभी तक इस धरती पर जन्म भी न लिया हो। तो ये कुप्रथा हमारे समाज से जरूर हटनी चाहिए। और आगे की जो दो पंक्तियां हैं, मैं उस दरिंदगी को, मैं दरिंदगी ही कहूंगी, उस दरिंदगी को केंद्रित करते हुए मैं कहना चाहूंगी जिसका नाम लेने में लोग संकोच करते हैं, लेकिन मैं निर्भय होकर उसका नाम लूंगी। कि जो बलात्कार के जो केसेस यहाँ आज भी हो रहे हैं, देखा जाता है कि 2 साल की छोटी सी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, तो ऐसी घटनाएं आज भी हमारे समाज में क्यों हो रही हैं, उस समस्या को केंद्रित करते हुए मैं दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वह शीन बनो वासना की पात्र नहीं है, वह शीन बनो वासना की पात्र नहीं है, वह शीन बनो वासना की पात्र नहीं है। तुम पूजते जो दुर्गा की मूरत है लड़कियां, तुम पूजते जो दुर्गा की मूरत है लड़कियां। और आगे की जो दो पंक्तियां हैं वो मैंने घरेलू हिंसा पर संकेतित कर लिखी हैं। घर छोड़ती है अपना ये सबको है तारती, घर छोड़ती है। बहुत आभार सुनीता जी, राजपाल जी, जी 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 संचालक जी, जो भी है उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जी, मैं इसलिए अपना काव्य पाठ जारी रख रही हूँ, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत। दिनेश जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैसेज मुझे मिला आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है लेकिन आपके कमेंट्स मुझ तक आ रहे हैं। जी जी मैं जारी रखती हूँ। घर छोड़ती है अपना ये सबको है तारती, घर छोड़ती है अपना ये सबको है तारती, घर छोड़ती है अपना ये सबको है तारती। फिर भी जलाई जाती है लानत है लड़कियां, फिर भी जलाई जाती है लानत है लड़कियां। और अब तक मैंने जो छवि उभारी है आज के भारतीय समाज की और प्राचीन समय की भी, प्राचीन समय भी हम लोगों ने देखा है, दहेज प्रथा को ले लो, सती प्रथा को ले लो, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, पर्दा प्रथा को ले लो, बाल विवाह को ले लो। लेकिन बहुत सारे अगर वर्तमान समय में हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि विकास तो हुआ है, निसंदेह विकास हुआ है। तो हम उस पक्ष को भी जरूर उभार कर सामने लाएंगे कि सकारात्मक जो पक्ष हैं उन्हें भी हमें, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन्हें भी उभार कर सामने लाएं। तो मैं दो पंक्तियां उस पर निवेदित करती हूँ। है रजिया ये लक्ष्मी है कि प्रतिभा भी यही है, रजिया ये लक्ष्मी है कि प्रतिभा भी यही है, है रजिया ये लक्ष्मी है कि प्रतिभा भी यही है। कुछ खौफ खाओ अब तो है मेरी भी लड़कियां, कुछ खौफ खाओ अब तो है मेरी भी लड़कियां। मेरी कॉम का नाम कौन नहीं जानता, तो रजिया सुल्तान से लेकर लक्ष्मीबाई से लेकर प्रतिभा सिंह पाटिल से लेकर मेरी कॉम तक जो प्रगति हुई है वो निस्संदेह हमारे समक्ष प्रस्तुत है और वो सराहनीय भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो आगे की दो पंक्तियां हैं वो मैंने हमारी फाइटर पायलट्स भावना, मोहना और अवनी, इन पर दो पंक्तियां मैंने निवेदित की हैं। जी दिनेश जी, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मैं जारी रख रही हूँ। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद सुनिश्चित करने के लिए। तो मैं उन 3 फाइटर पायलट्स को ये दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अब अबला नहीं है उड़ान आसमान की, अब अबला नहीं ये उड़ान आसमान की, अब अबला नहीं ये उड़ान आसमान की। भावना है मोहना है अब अवनी है लड़कियां, भावना है मोहना है अब अवनी है लड़कियां। और अंतिम की, इस कविता की अंतिम दो पंक्तियां,
कि मैं देशवासियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि नारी के प्रति अगर आज भी आपके मन में कोई दुर्भावना है, कोई मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ सीमित जनसंख्या आज भी है जो ये धारणा रखती है कि नारी को विकास का अधिकार नहीं है, तो मैं उन पर दो पंक्तियां कहकर इस कविता का समापन करूंगी। विनीता तुम अपने देश के लोगों से ये कह दो, विनीता तुम अपने देश के लोगों से ये कह दो, विनीता तुम अपने देश के लोगों से ये कह दो, है प्यार की खातिर नहीं नफरत की लड़कियां, है प्यार की खातिर नहीं नफरत की लड़कियां, तुम पूजते जो दुर्गा की मूरत है लड़कियां, फिर भी जलाई जाती है लानत है लड़कियां। तो ये मेरी कविता थी लड़कियां। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताइए कि मुझ तक किसी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप बनी हुई है और मेरी हौसला अफजाई कर रही है, उत्साह में विकास कर रही है और कहीं ना कहीं मुझे साहस मिल रहा है कि मैं आगे पढ़ूं। समय की अपनी सीमा है, मेरे पास अभी भी 5 मिनट है। मैं संचालकों को ये सूचित कर दूं कि मुझे समय का बिल्कुल ध्यान है और मेरे पास 5 मिनट शेष है और उन 5 मिनटों में मैं कुछ अपनी रचनाएं सुनाने वाली हूँ। एक रचना, एक गजल मेरी है और उसे मैं सुनाना चाहूंगी। और ये गजल उस परिस्थिति को संकेतित है कि जब एक युगल जोड़ी एक प्रेमी प्रेमिका किस प्रकार प्रेम में पड़ते हैं और लेकिन जब उसे निभाने की बात आती है तो दोनों संकोच में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका हौसला थोड़ा धीमा पड़ जाता है। समाज के सामने जब आने की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से डर जाते हैं, थोड़े सहम जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा उनका साहस कम हो उठता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कैसे कह रही है और कैसे अपनी बातों को उस तक पहुंचा रही है कि तुम मेरा साहस बने रहो, तुम मेरी हौसला अफजाई करते रहो, तुम मुझे साहस देते रहो, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो इस पर मैंने एक गजल लिखी है, जी, स्वागत है। वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। जी, स्वागत। एक प्रेमिका कह रही है और आगे की जो दो पंक्तियां हैं, प्रथम की दो पंक्तियां, उसमें उम्र कैद को आप शादी के पवित्र बंधन के रूप में लीजिएगा, उसे ही संकेतित कर वो उम्र कैद लिखा गया है। मैं शुरू करती हूँ अपनी गजल। तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर, 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 उम्र की कैद पालू सजा दो अगर, उम्र की कैद पालू सजा दो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर। आगे का जो मतला है वो इस प्रकार है। घर वफा मेरी आती नहीं है कभी, 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 एक दफा आजमा लूं पता दो अगर, एक दफा आजमा लूं पता दो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर, हर डगर लड़खड़ा कर भी संभली हूँ खुद। किस प्रकार से एक प्रेमिका अकेली चलती आई है और अपने प्रेमी से कह रही है। हर डगर लड़खड़ा कर भी संभली हूँ खुद, हर डगर लड़खड़ा कर भी संभली हूँ खुद, हर डगर लड़खड़ा कर भी संभली हूँ खुद, अब जरा लड़खड़ा लूं संभालो अगर, अब जरा लड़खड़ा लूं संभालो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर। दिव्यांशी जी बहुत बहुत आभार, राजपाल जी बहुत आभार, बहुत आभार आपका, बहुत आभार। आगे की जो पंक्तियां हैं। जी जी। वक्त की धूप में
पांव जलते रहे, वक्त की धूप में पांव जलते रहे, वक्त की धूप में पांव जलते रहे, वक्त की धूप में पांव जलते रहे, बादलों को बुला लूं सदा दो अगर, सदा यानी आवाज, बादलों को बुला लूं सदा दो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर, ये जो आंखों में शिद्दत की है दास्तां, प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है आंखों उसकी की प्रेमी की आंखों में जो शिद्दत है वो उसे बयां कर दे, ये जो आंखों में शिद्दत की है दास्तां, ये जो आंखों में शिद्दत की है दास्तां, ये जो आंखों में शिद्दत की है दास्तां, मैं जुबां दूं इसे तुम बता दो अगर, मैं जुबां दूं इसे तुम बता दो अगर, कि तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर, समय सीमा का मुझे पूरा ध्यान है, मतले पर हूँ मैं इस गजल के आखिरी मतले पर हूँ, ये अंधेरे भी एक रोज मिट जाएंगे, 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 एक लौ मैं भी दूं तुम क्षमा दो अगर, एक लौ मैं भी दूं तुम क्षमा दो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर, उम्र की कैद पालूं सजा दो अगर, तुम मेरा हौसला जो बढ़ा दो अगर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना मुझे, सराहा मुझे, मेरी हौसला अफजाई की, और अफसोस की बात है मेरे हिसाब से नेटवर्क की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से दोनों संचालकों की आवाज मुझ तक अभी भी नहीं पहुंच रही है और ना ही मैं उन्हें देख पा रही हूं, लेकिन मैं आशा करती हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंची होगी। मैं दोनों संचालकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी आप मेरे साथ बने रहे और मुझे ये अवसर प्रदान हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आप सभी का, सभी संचालकों का और इस पूरी टीम का, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि 14 सितंबर तक जो ये अनवरत महायज्ञ चल रहा है ये सफलता की उच्च शिखर को छुएगा, और बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, आपके कमेंट्स मुझ तक आ रहे हैं, बहुत आभार आपका जी।